सो यो गाइस, क्या चल रहा है भाई का चैनल। तो गाइस आज था मेरा हिस्ट्री का पेपर और इतना ज़्यादा खराब गया, मैं ये नहीं बता सकता, बहुत खराब पेपर गया। पता नहीं क्या, अगर चीटिंग करके मैं अगर पास हो गया तो भाई बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो हमारा भाई मतलब या तो कम नंबर या तो भाई कंपार्टमेंट या तो भाई कम नंबर से मतलब अगर हो गया तो 30-35 नंबर से पास हो जाऊंगा, नहीं तो भाई तुम्हारा भाई यार फेल है। पता नहीं यार क्या करूं, मेरा मत्था बहुत सनक रहा है यार, बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। मतलब यार 4 दिन थे मेरे पास, 4 दिन, और जब भी मैं बुक उठाता था मैं यही सोचता था यार क्या करूं यार, एक दिन है, एक दिन में पढ़ लेंगे। पर यार जब भी बुक था ना, मन पता है क्या करता था, ये हिस्ट्री को खोल के देखूँ ना, क्योंकि हिस्ट्री मेरा एक ऐसा सब्जेक्ट है, मेरा सबसे वीक पॉइंट है हिस्ट्री। अगर मैं इसमें फेल हो गया तो गाइस मैं तो गया। और ये हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, मेरे को हमेशा पढ़ने का ना मन करता, ना स्कूल में पढ़ता मैं हिस्ट्री। अबे तू भी यार चले जा प्याज वाले। हाँ तो मेरा ये हिस्ट्री एक ऐसा सब भाई मेरे ये हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है गाइस, मेरे को ना स्कूल में पढ़ने का मन करता ना मैं इसको कभी खोलता, और अगर मैं पढ़ता भी हूँ तो भाई एक दो चैप्टर जो मेरे को अच्छे लगते हैं, और वीक पॉइंट है गाइस। अगर मैं फेल हो गया तो गाइस मैं गया यार, सही में सच कह रहा हूँ गाइस। इतना मतलब पेपर ऐसा करके आया हूँ ना मैं, चीटिंग के थोड़ा बहुत एक दो ऐसे गोल थे ना, एक नंबर का होता था, दो नंबर का, ऐसे मैंने पूछा एक दो से, अगर उन्होंने सही चले गए वाला तो मैं पास हो जाऊँगा अच्छे, थोड़े बहुत अच्छे नंबर से, नहीं तो भाई मैं तो कंपार्टमेंट है। तो गाइस आप भी कमेंट करके बताना आपका पेपर कैसे गया। तो अभी मैं पेपर के बारे में बताता हूँ, पेपर कैसा आया था और पूरा इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो में बने रहो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को एंड तक जरूर देखे करो यार, और लाइक करके शेयर बना देना और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो गाइस अब बात करते हैं कि मेरा कौन सा सेट था और मैं कौन से मीडियम में पेपर देता हूँ। तो गाइस मैं देता हूँ हिंदी मीडियम में, हिस्ट्री का मैं हिंदी मीडियम में पेपर दे के आया हूँ। और तो जो मेरा सेट था वो गाइस था 3, और कोड नंबर अभी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, मैं बता दूंगा बाद में, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो गाइस क्वेश्चन 20 जो MCQs आए थे, अगर मान लो उसमें अगर मेरी टुक्के से भी चले गए 15-20 ठीक, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे 30-35 नंबर मेरे कहीं नहीं जा रहे हैं और मैं पास हो जाऊँगा। तो यही मैं गाइस कह सकता हूँ, अगर मैं पास हो गया तो गाइस बहुत अच्छी वाली बात हो जाएगी, नहीं तो भाई मैं फेल हूँ। क्योंकि गाइस पेपर ये मैं बता दूँ, हिस्ट्री मेरा वीक पॉइंट है वैसे भी, अगर भाई भगवान की दुआ हुई तो मैं हो जाऊँगा पास, नहीं तो फेल है भाई, फेल है भाई, फेल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हाँ कोई दिक्कत नहीं होती। तो गाइस आपको मैं बताता हूँ पेपर कैसे गया, और आज एक सीन हुआ उसके बारे में पहले बात करता हूँ। तो गाइस सीन क्या हुआ, एक मतलब हिस्ट्री का पेपर तो ऐसा सबको कुछ आता ही नहीं है, एक बंदा था, तो हिस्ट्री का पेपर है किसी को कुछ आता वाता है नहीं, कोई सब इधर देख रहे हैं, कभी पीछे देख रहे हो, हाँ भाई बता, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे सब पूछ रहे हैं, कोई बताने वाला तो है नहीं, और क्योंकि और सर से पूछ रहे हैं सर यार ये वाला बता दो सर, एक नंबर की हेल्प हो जाएगी, सर भी बहुत कमीना साला बता नहीं रहा बिल्कुल भी। हाँ तो फिर वो बंदा क्या कर रहा, तो वो ना पीछे देख रहा था तो एकदम से सर ने उसको देख लिया, उसका कह गया 15 मिनट के लिए पेपर ही ले लिया, वो पीछे देख रहा था कि हाँ बहन तू बता दे। उसके पीछे एक लड़की बैठी हुई थी, होशियार थी, थ्रोट तो ऊपर थी, तो उससे पूछ रहा कि बहन तू बता दे, वो बता ही नहीं थी। तो इतने में सर का उसके पे ध्यान गया और सर आया, तेरी बहन पता, ऐसे आया सर ने लिया पेपर लिया और 15 मिनट के लिए रख दिया, और बेटा बैठ जा तू आराम से, तेरा कुछ नहीं होगा। वो 15 मिनट तक बैठ रहा और हम उसे देख रहे, भाई यार क्या है यार, तू भी फंस गया, मैं भी फंस गया। तो हम सारे गाइस जितने भी हमारी जो हमारे जो क्लास के जो बच्चे ना जितने भी, वो सब चीटिंग के भरोसे इक्के दुक्के होंगे जो पढ़ के आएंगे टॉपर, नहीं तो हम तो भाई ऐसे ही हैं भाई, पढ़ के गए, थोड़ा बहुत पढ़ के गए थे, अगर बैक बेंचर का यही फायदा होता थोड़ा बहुत, लास्ट वाले दिन अगर पढ़ के पास हो गए तो नाम हो जाएगा अगर पढ़ के पास हो गए पहले इतने में, नहीं तो भाई फेल है। पता नहीं क्यों यार मुझे ऐसा लग रहा फेल है, क्योंकि जो 8-8 नंबर वाले के क्वेश्चन थे वो मैं बिल्कुल मतलब करके तो आया, ये मैं ये कह सकता हूँ, अगर 8 नंबर का मेरा 2 क्वेश्चन मैंने एक ऐसे करे हैं, अगर वो ठीक चले गए तो मैं अच्छे खासे नंबर मैं 40-45 से फिर पास हो रहा हूँ आराम से।
मैं इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा जितनी मैं फिजिकल एजुकेशन से कर रहा हूँ और इंग्लिश के पेपर से। इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन मेरा एक नंबर का पेपर गया फिजिकल एजुकेशन की। आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो वो वाली वीडियो जरूर देखना, एक नंबर पेपर गया, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत बढ़िया पेपर गया। और इंग्लिश का भी बहुत बढ़िया पेपर का, पर इससे मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है गाइस। अगर मैं हो गया फेल तो हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंपार्टमेंट दे देंगे। अगर हो गया मतलब पास हो गया तो भगवान का हाथ होगा, अगर पास हो गया तो बहुत बढ़िया बात हो गया, अगर मैं पास हो गया तो गाइस। यही था इस वीडियो में, यही बताना था मेरे को आपको। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब किया मत जाना यार, यहाँ तक आ गए तो सब्सक्राइब भी कर देना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।